चलो आप लोगों ने सीरीज तो जरूर ही देखी होंगी और आपने उन्हें देखने के बाद अपना वक्त ही जाया किया होगा और आपने उनसे कुछ भी नहीं सीखा होगा। लेकिन जो टॉप 5 सीरीज मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें देखने के बाद आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा और आपको अपने इस्लाम की भी जानकारी होगी। चलिए तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसका नाम है टॉप 5 इस्लामिक सीरीज। यार हमारी 5th सीरीज का नाम है द ग्रेट सलजुक और इस सीरीज में आपको सुल्तान अल्प अरसलान और मलिक शाह जैसे बहादुर सुल्तान दिखाए जाएंगे और बड़ी बड़ी जंगे भी दिखाए जाएंगे जिसमें से एक जंग मेंसीगढ़ की जंग भी थी जिसमें सुल्तान अल्प अरसलान को फतह नसीब हुई थी। और अगर इस सीरीज में किसी का किरदार अच्छा दिखाया गया है तो वो सुल्तान अल्प अरसलान है। और अगर हम अपनी 4th सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का नाम है सुल्तान अब्दुल हमीद और सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के 36वें सुल्तान यानी के आखिरी सुल्तान थे और इनके दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया की सबसे पहली सबमरीन बनाई थी। और इस सबमरीन के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, उस शॉर्ट वीडियो का लिंक आपको कमेंट में मिलेगा। और सुल्तान अब्दुल हमीद आशिके रसूल भी थे जब इनके दौर में रसूल अल्लाह के ऊपर नाटक बनाकर उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही थी। जब ये बात सुल्तान अब्दुल हमीद को पता चली तो उन्होंने फ्रांस के वजीर को बुलाया और उससे कहा कि अगर ये नाटक कल दिखाया गया तो वो अपनी पूरी फौज लेकर हमला कर देंगे। जिसके बाद जिस जगह वो नाटक दिखाया जाने वाला था डर के मारे फ्रांस ने उस जगह को ही बंद कर दिया। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस सीरीज को ना देखा हो। नंबर 3 पर जो सीरीज है उसका नाम है अतरुल गाजी और इस सीरीज में अतरुल गाजी के बारे में बताया गया है कि कैसे अतरुल गाजी ने सलजुक शहजादी हलीमा सुल्तान को सलेबियों से बचाया था। अतरुल गाजी ने आलम इस्लाम का परचम थाम रखा था और अतरुल गाजी ही थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी और इन्होंने सारे तुर्क कबाइल को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। इस सीरीज में एक बहादुर जंगजू की कहानी दिखाई गई है। और नंबर 2 पर जो सीरीज है इस सीरीज का नाम कुरुलुस उस्मान है और यह सीरीज इतनी अच्छी है क्योंकि उस्मान गाजी ने एक छोटे से कबीले से इतनी बड़ी का आगाज किया था जो कि 526 सालों तक कायम रही। और इस सीरीज में उस्मान गाजी को दिखाया गया है जो कि एक इंसाफ पसंद सरदार थे और अतरुल गाजी के बेटे थे और इन्होंने मंगोलों सलीबियों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया था। नंबर 1 पर जो सीरीज है वो मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा सीरीज है जिसका नाम और इस सीरीज में नबुव्वत के बारे में भी दिखाया गया है। और इस सीरीज में हजरत अबू बकर उमर उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी सहाबाओं को भी दिखाया गया है। लेकिन इस सीरीज में सहाबाओं का चेहरा दिखाया गया है। अगर आप सहाबाओं का चेहरा देख सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इस सीरीज को जरूर देखें। और इस सीरीज में दिखाया गया है कि इस्लाम किस तरह फैला। और अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे इन 5 सीरीज में से कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी तो वो है उमर सीरीज। अगर आप इन 5 सीरीज को देखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप उमर सीरीज को देखिए क्योंकि इस सीरीज में सिर्फ 32 एपिसोड हैं। तो शुरुआत इस सीरीज से करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अतरुल गाजी के ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।